ये तो सिर्फ हार्दिक आई डोंट थिंक ये सिर्फ हार्दिक की गलती, उस डगआउट में बहुत से लोग बैठे हुए, ठीक है, मीटिंग है ये हजार करते हैं, ये पहला ओवर ये, दूसरा ओवर ये, तीसरा ओवर ये, ठीक है जी। पर चलो आपने तीसरा चौथा ओवर करा दिया बुमराह से और खुल रहा है, पांचवा छठवां क्यों नहीं कराया, जबकि आई थिंक चौथा जब बुमराह आपको विकेट लेनी है ना, पांच तो फिर आप पिट रहे हो तो बुमराह क्या मतलब बस पकड़ के हैदराबाद से सिकंदराबाद चले गए थे कि बस लेके वापस आऊंगा तो बॉल कर ले। आज आपने जो कप्तानी की आप कलंक लेके जा रहे हो ना, आईपीएल की सबसे बड़ी कुटाई आपके मध्य आ गई ना, हार्दिक को अगर यार उनके अगेंस्ट सिल्वर टाइड उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हैदराबाद किसने एंटिसिपेट किया था कि इतना हॉस्टाइल हैदराबाद भी हो जाएगा, रोहित चलो ठीक है वो तो पॉजिटिव है कि विराट कहीं जाएंगे धोनी कहीं जाएंगे वो होना वाजिब है, टॉस पर वो बैटिंग करने वो आ रहे हैं, वो मार्क बाउचर इंटरव्यू दे रहे हैं वो तो यार ये दैट मींस अगर ये हैदराबाद में हो रहा है तो इंडिया के शायद हर एक ग्राउंड में होगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो की हाइलाइट्स में देख लिया है कि विक्रांत गुप्ता के साथ साथ उनके पूरे पैनल ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर हार्दिक पांड्या ये वो से जान छुड़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर ये है कि वो अपनी जनाब गलती को मान लें और कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा के हवाले कर दें, क्योंकि इतना बोझ उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो दूसरे ग्राउंड्स में जाकर मुंबई इंडियन मैच खेली और जब मुंबई में ही उनके खिलाफ नारेबाजी होगी तो बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी और उनकी अना जो है वो खुद तो उनके लिए मुश्किल पैदा करेगी लेकिन साथ साथ मुंबई इंडियन के लिए भी मुश्किल पैदा करेगी और हो सकता है कि लाहौर के लंदर जैसा हाल हो मुंबई इंडियन का, क्या पता नहीं है। उन्होंने पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखकर एंजॉय कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा। और सामने वाला कप्तान पैट कमिंस उनकी इकोनॉमी इस गेम में आप देख लो, आई थिंक 9.5 के आसपास है और तिलक वर्मा की भी विकेट। व्हाट विल हर्ट, अब यहां से राहुल की वो बात आपकी बात आती है प्रिटेंशियस वन, हार गए सब कुछ होगा उसके बाद जो आप देखते हो हंसना खेलना यू नो दूसरी टीम वाले तू आ रहा है हम जीते हैं और वहां जाके ये बोलना, आवर बॉलर्स वर गुड, आई लाइक व्हाट आई सॉ, आई डोंट थिंक इस बयान को कोई फैन मुंबई का या मुंबई का डगआउट मेंटोर फलाना ढिमकाना विल टेक इट काइंडली। और मुंबई इंडियंस ये गैर जिम्मेदाराना बात है। इस वक्त मुंबई इंडियंस का जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि कहीं ये चीज वानखेड़े में ना हो जाए, क्योंकि उनको ये डर अब रहेगा और मुंबई इंडियंस के काफी फैन कह रहे हैं हम तो वानखेड़े का भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा डर अभी यही है, पूरे आसार है। इस टाइम पर इनका सबसे बड़ा डर यही है रिजल्ट से भी हटकर, देखिए ओनर्स इन सबको पता है इमेज और ये वो, वानखेड़े में फैंस अगर यही चीज वहां पर होती है देन आई थिंक वो उनके लिए, कल जैसे देखा ना इंडिया और अफगानिस्तान का फुटबॉल मैच था, अफगानिस्तान की जीत को इंडियन फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक चीज बताओ इंडिया के सेलिब्रेशन साइड में उनको सेलिब्रेट भी हो सल्यूट कर रहे हैं, अब पता नहीं ये हो सकता है नहीं हो सकता, बीच में आपको याद आएगा। अब मैं एक बड़ा अजीब सा लाता हूँ, जडेजा और एमएस धोनी वाला कप्तानी चल रही थी और ये फ्रेंचाइजी वो फ्रेंचाइजी है जो आप बड़े मुकाबले इस तरह रिकॉर्ड तोड़वा रहे हो, गौरव का मैसेज आया देखो, ये फ्रेंचाइजी उसमें जो बर्दाश्त करेगी, आज आपने बैटिंग अच्छा कर दी ठीक है एफर्ट दिख रहा है, बट ये वो फ्रेंचाइजी हो सकता है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से अगर एक दो मैच और होता है हो सकता है रोहित आपको पिन करना चाहा, कब ये फ्रेंचाइजी बोले कि नहीं यार डैमेज हो गया था ना अब इसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। पर ये देखिए जब रिक्वायर्ड रेट हार्दिक आए मैच अच्छी हो रन चेज चल रही थी 20 गेंदों पर 24 रन जिसमें एक चौका और एक छक्का है, वहीं जब जो हम बोल रहे हैं कि पैट कमिंस उन्होंने आकर जिन ओवर से वो गेम चेंज करी तो कप्तान वो बोलिंग चेंजेस कह लो कुछ कह लो, आई थिंक जयदेव उनादकट ने उनको आउट किया था, नमनधीर को जब नमनधीर और उनकी आउटसाइड ऑफ कवर के ऊपर पैट कमिंस ने कैच किया, और हालांकि नमनधीर का यार जो उनकी इंटेंट दिखी दोनों मैचेस में वो उनको दे रखा है लाइसेंस भी दे रखा है, बट वो उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, एक प्रोलिफिक बाउंड्री हिटर वो हैं, उन्होंने भी वो गेम थोड़ा आगे ले गए, बट ये था कि इस रनचेज में आपने शॉट पढ़ना ही पढ़ना है, करिश्मा अगर करना था तो फिर से कहीं ना कहीं वो मौका हार्दिक के पास एज बेटर था कि वो थोड़ा दम वहां पर लगाते, बट अल्टीमेटली ये है 20 गेंद चौके, बॉल भले पुरानी हो गई जैसा हमने देखा था जब क्लासन मारे थे छिछड़े उड़ गए थे, बट 30 पे 24 देखो यार, एक तो ऑलरेडी आप पे इतना प्रेशर आ चुका है, आपको कप्तानी आई है, ऊपर से आप वो चीज चेहरे से भी नहीं दिखा रहे हो, आप चेहरे से दिखा रहे हो सब नॉर्मल है सब कूल है, 277 रन बोर्ड पे चढ़ गए आपके लिए इट्स ओके टू बी यूनिक ही लग रहा है, तो थोड़ा आपको ये दिखाना होगा कि नहीं यार ये सब जो है ना नहीं है हमें, थोड़ा सा अगर 20 पे 24 भी है ना तो आप पे सारा ठीकरा भी फूटेगा, तो आपको अपने आप को भी पुश करना। और मेरा सबसे गंदा मुझे दिख के लगा हार्दिक का यार शॉर्ट लिया हाथ छूट रहा है जो
एक तो बच गया था उनका वहां पे कवर्स के इधर पे जाके बॉल गिरा था, तो वो चीज है ना। ये तभी होता है जब आप देखो एक रिक्वायर्ड रेट का प्रेशर है और फिर आपको पता होता है कि ऑप्शन छक्के ही है, उसमें आप क्या जाते हो बहुत हार्ड मारने जाते हो गेंदों को और फिर उनको निकलता ही। पहले 20 गेंदों में कितने शॉट उन्होंने उस तरीके लगा दिए थे, अपने अपने ऊपर प्रेशर लगा खुद ही पे उन्होंने पहली बॉल पर करी शायद स्कोर, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनकी जो दो छक्के मारे ना लगातार उन 10 रन अगर आपकी दो बॉलों में आगे थे और इसका मतलब है कि 20 में आपके 24 रन है तो इसका मतलब हुआ 14 रन आए हैं आपके 18 पर। तो राहुल ये मतलब डू यू थिंक अब ड्रेसिंग रूम इनका मुंबई का आफ्टर दिस डिफीट उठेगा, खड़ा होगा, एक साथ आएगा, या ये अब बिखरने की कागार पर है? आई नो अर्ली डेज येट दो ही मैच हुए, दो मैच तो अच्छा खेल के भी हार सकते हो, बुरा खेल के भी हार सकते हो, बट आप व्हाट यू मेक ऑफ द सिचुएशन नाउ? नहीं, हार्दिक की सिचुएशन तो थोड़ी डिफिकल्ट हो ही गई है उस ड्रेसिंग रूम में, पहले ही थी। कभी कभार ये भी होता है ना कि आप जब जीतते हो चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं, यू इंगेज वेल विद द ड्रेसिंग रूम आपके प्लेयर्स के साथ। अब वहां पर ये हो रहा है कि आप देखो हार्दिक पांड्या एक अलग, आप देखो ना मैच के बाद भी आपको सिचुएशन, वो रोहित शर्मा के पास जब जब कैमरा गया बड़े एनिमेटेड से दिख रहे हैं, इवन अपने ओनर्स से वो बात कर रहे थे, मुंबई इंडियंस के ओनर्स से, प्लेयर्स के हिसाब से। बाकी वही है कि हमेशा वही कहते हैं कि जीत से बड़ा कोई मलम नहीं होता है। सर हार्दिक से प्रेशर नहीं संभाला जा रहा है और वो उनकी कैप्टेंसी, उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हर जगह वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो, मे बी ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। आज आप देखो ना, एक तरफ पैट कमिंस थे, पैट कमिंस ने शॉर्ट बर्स्ट में 4 ओवर डाले, उन्होंने नहीं कहा कि मैं डेथ में डालूंगा, मैं इस टीम का सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हूँ, सबसे अच्छा गेंदबाज हूँ। जिम्मेदारी लेते जो शायद पिछले मैच में राहुल लोग कह रहे थे कि कमिंस बचे उन ओवर से, बट आज उन्होंने समझा वो बेस्ट डाल रहे थे, सब उस हिसाब से डाल रहे थे, बाउंड्री का इस्तेमाल कर रहे थे, डाला उन्होंने स्वामी जहां पर मतलब चीजें वो मैटर थोड़ा था कि क्लोज हो सकता था। उस लिहाज से ये भी है कि एज कैप्टन आपको ये भी देखना पड़ेगा, वो अगेन हाइंडसाइट वाली बात है, बट उधर से शम्स मुलानी ने 20 ओवर डाला, अगर आप करते ठीक है वो 21 रन 20 रन जो भी उन्होंने करे थे, तो आप आखिर में तो वही इक्वेशन देख रहे थे भाई कितने हैं, शायद इस विकेट पर 15-18 रन लास्ट ओवर में बचे बहुत फर्क कर। कोई बॉलर अब कौन कर रहा है उस वक्त गेंदबाजी, उन्होंने मयंक को दिया, चॉइस क्या थी आपके पास, उमरान और शबाज और मयंक, मेरे ख्याल से ये 3 चॉइसेस थी उनके पास, तो मैच हो सकता था कहीं भी, तो वो डिसीजन नहीं। अगर ये 31 रन से मैच आ रहे हैं ना 276 तक, हालांकि देखो ये इतनी बड़ी चेज होती नहीं है, ब्रीफ ही एक स्टेज पे एक फ्लिकर होता है उस पे लगता है शायद हो जाएगा, बट आई थिंक 10 ओवर के हाफ वे स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि ये चेज कर देंगे, इक्वल था। और वो मैच किसके लिए बना हुआ था? प्लेयर्स जो होते हैं दे आर मेड फॉर सच ओकेजंस, वो कहता है यार सपने लेता है सारी उम्र की मुझे ऐसी एक ओकेजन बने और ऐसा बड़ा मैच हो मैं जाके जिताऊं। वहां पर तिलक वर्मा सेट, वहां पर हार्दिक पांड्या ने आना है, टिम डेविड ने आना है, एंड ठुस इवन टिम डेविड का भी ये था कि टिम फर्स्ट 10 ओवर्स मुंबई के कितने रन्स थे ऋषभ? आई थिंक ऐसा कुछ था कि 140 और कुछ था और उतने ही उनको चाहिए थे, 130 और 140 का ऐसा रेट। सो इन्होंने लास्ट 10 में 100 रन बनाए, मतलब जो इन्होंने कर रहे वो भी टिम डेविड ने आगे वो, बट वही है मेरा मानना ये भी है कि हार्दिक का रहा, बट टिम डेविड की भी जो स्टार्ट रही शुरुआत में उन्होंने जयदेव उनादकट वाला ओवर जिस तरीके से रहा, तो टिम डेविड वो बाउंड्री हिटर वहां पर उनसे वो हिटें चाहिए थी उनको, उन्होंने भूवी को एक ओवर में उसके बाद मारा जरूर, बट तब वो स्कोर बहुत उस टाइम निकल गया। बट मनोज 145 टिम डेविड ने बाद में 105 रन बने, कवर अप किया थी 148। बट वहां पे उनको हार्दिक पांड्या को कप्तान के तौर पे आगे आना चाहिए था ना, हार्दिक का अगर टिम डेविड ने हिट कर पा रहे तो देखो हार्दिक का आगे आज भी एक दो डॉट जब बॉलिंग डॉट हुई जब उस टाइम में उनका वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा कुछ और, मतलब सिचुएशन कुछ और है, वो बनना कुछ और चाह रहे हैं, आई थिंक वो ना उनको हेल्प कर रहा है ना वो टीम के कॉज को हेल्प कर रहा है और ना वो शायद उस ड्रेसिंग रूम में उन खिलाड़ियों को भी हेल्प करेगा अच्छा लगेगा। मैं हार जीता फिर भी पचा लोगे, लेकिन जो बाद में उन्होंने बोला है या उनके जो जेस्चर से मतलब ऐसे मतलब हार जाने के बाद कुछ भी आपको चेहरे पे शिकन नहीं है कुछ भी, ऐसा लग रहा है जैसे आप ये सिंगल राहुल ने पॉइंट किया ना कि ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद की टीम हारी है मुंबई की टीम जीती हो, तो यही लग रहा है। सही बात है, और बातों से भी बट सिंगल वाली चीज ऐसी है ना, मतलब जो हार्दिक को देख के लगे मैं नहीं ले रहा हूँ या मैं चलो कर दूंगा, बट आई थिंक ये तब होता है जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप में थोड़ा बिलीव हो। आप पिछला मैच भी देखोगे एक ओवर 15 रन चाहिए ठीक है, चलो कई बार आपको हो गया कि बैट्समैन पे इतना ज्यादा होंगे सर, बट जब आपको नहीं आ रहा, आप पे कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर इतना ऊपर अपने ऊपर प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए।